हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूएस स्मार्ट न्यूज़। यूएस स्मार्ट न्यूज़ चैनल में आज आपका यहाँ पे स्वागत है। एक बार फिर से अब शुरुआत हो रही है लोकल ट्रेन की। लेटेस्ट अपडेट अब यहाँ पे निकल के आ रहा है कि अब यहाँ पे 25 अक्टूबर से सभी आम जनता को अनुमति दिया जाएगा लोकल ट्रेन में सफ़र करने के लिए। इसमें ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि यहाँ पे सबसे लेटेस्ट अपडेट है कि जो 18 साल से कम है उनके लिए वैक्सीन यहाँ पे लगवाना बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं किया गया है। बिना वैक्सीन के 18 साल से कम वाले लोग लोकल ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं। बस ये होगा कि उनको अपने यहाँ पे स्पेशली देखा जा रहा है कि स्कूल कॉलेजेस खुल गए हैं, इसीलिए यहाँ पे जितने भी विद्यार्थी 18 साल से कम हैं उनको अनुमति दिया जा रहा है लोकल ट्रेन में सफ़र करने के लिए। तो अपने स्कूल और कॉलेज की आईडी भी दिखा के उनको टिकट दिए जाएंगे। दूसरा अपडेट, अब यहाँ पे खुशखबरी की बात आ रही है कि 25 अक्टूबर से अब किसी को भी जरूरी नहीं होगा कि वो मंथली पास लेंगे, अब उनको हर एक दिन का भी आप टिकट ले सकोगे। तीस बहुत ही लेटेस्ट अपडेट और आम जनता के लिए खुशखबरी की बात है। और इसी के साथ यहाँ पे सूत्रों के हिसाब से अपडेट निकल के आ रहा है कि 25 अक्टूबर से जिनका एक डोज हुआ है अब उनको भी अनुमति दिया जाएगा लोकल ट्रेन में सफ़र करने के लिए। कोई पास वाला रूल्स नहीं रखा जाएगा अब, क्योंकि अब देखा जाए तो एसी लोकल ट्रेन के भी किराए को कम किया जा रहा है। जिस तरीके से यहाँ पे कुछ आम जनता अब एसी लोकल ट्रेन में भी सफ़र कर सकेंगे, बहुत ही रीजनेबल रेट रखा जाएगा, बहुत ही कम प्राइस रखा जाएगा। तो इसी के साथ भीड़ भी कम देखने को मिलेगा लोकल ट्रेन में। इसीलिए 25 अक्टूबर से देखा जाए कुछ नए नियम हमें देखने को मिलेंगे लोकल ट्रेन को लेके, और अब देखा जाए कुछ पाबंदियाँ भी रहेंगी, उसके बाद ही आम जनता को अनुमति दिया जाएगा। तो ये कुछ अपडेट था लोकल ट्रेन को लेके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।